देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज मुझे अच्छे से पता चल गया है कि आप मेरे साथ कभी खड़े नहीं रहोगे। आगे जी, आपने इतना छोटा समझ लिया मुझे, इतना छोटा कर दिया कि मैं कभी आपका साथ नहीं दूंगा, आपके साथ खड़ा नहीं रहूंगा, ऐसा सोचती हैं आप मेरे बारे में? वही तो किया ना आज आपने, सबके सामने आप सबको दूसरे परिवार वालों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको लगा कि राखी जी पागल हो गई है, उन्हें सदमा लगा है। शायद करण की पुरानी एल्बम देख के उसे ऐसा लग रहा है कि करण वापस आ गया। आप एक माँ की भावनाओं को समझ नहीं पाए, मेरी बातों पे एक बार भी विश्वास नहीं किया आपने। सबसे कहे जाइए, चले जाइए, राखी जी ठीक नहीं है, ये था आपका विश्वास। क्या आपको याद नहीं कि पंडित जी हमारे घर आए थे, उन्होंने कहा था कि करण जिंदा है। मैंने कहा ना करण जिंदा है, इसी दुनिया में है। मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन कहीं है, कहीं है। आज ये माँ वही बोल रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन किसी ने मुझ पे विश्वास नहीं किया। राखी जी, आप मुझे ये बताइए पहले कि आप मुझसे नाराज किस बात पे हैं? इस बात पे कि मैंने आप पे विश्वास नहीं किया, या इस बात पे कि मैंने अर्जुन को करण मानने से इनकार कर दिया? ये बात तो आप जानो। हैरानी तो मुझे इस बात से हो रही है कि जिस बेटे को हमने जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, आपने उस बच्चे को पहचाना नहीं, एक बार भी आपको महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन करण है? करण है, कैसे बताया? डैड, अपना गोल्डन पेन देना। मेरा गोल्डन पेन? तू क्या कहेगा? अरे मेरा लकी पेन है वो, दो ना उसको। दे दो चाचू। हाँ हाँ बेटा, ले ले। ये मुझे नॉर्मल पेन नहीं चाहिए, मुझे गोल्डन पेन चाहिए। आपके पास तो होगा ना? हाँ मेरे पास तो हमेशा रहता है। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अजीब हूँ, मेरे तौर तरीके बहुत अजीब हैं, बट ट्रस्ट मी, गोल्डन पेन, गोल्डन सिग्नेचर, गोल्डन फ्यूचर। क्या करूं? दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। राखी जी, आप पर विश्वास करूं या अपनी आंखों पर, इन हाथों पर जिसने खुद मुखाग्नि दी है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल तो मेरा भी कहता है कि मान लो कि वो करण है, लेकिन कैसे? राखी माँ, चुप हो जाइए राखी माँ। प्रीता, मैं नहीं जानती, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो सही भी है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही है, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, एक सवाल पूछ सकती हूँ तुझसे? क्या तुझे कभी भी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अर्जुन कर रहे हैं?
सॉरी, सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना था तुमसे। लगा लगा मुझे भी लगा क्यों लगा क्यों लेकिन वो इसलिए राखी माँ क्योंकि हम करण को बहुत याद करते हैं, एक पल के लिए भी उसे भुला नहीं पाते। इसलिए कोई भी ऐसा इंसान दिखता है जिसमें जरा सी भी करण जैसी आदतें या हरकतें होती हैं तो हमें उसमें करण दिखाई देने लगता है। नहीं प्रीता, ऐसी बात नहीं है। राखी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्जुन ये सब कुछ पर्पसली कर रहा हो। मतलब मैं मानती हूँ कि अर्जुन में बहुत सारी बातें हैं जो करण में भी थी, काफी चीजें सिमिलर हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा हो ये सब करके, क्योंकि उसे इस घर में जगह बनानी है, हमारे दिल के करीब आना है, क्योंकि उसे हमारा विश्वास, हमारा भरोसा जीतना है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। राखी माँ, हम ये भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना कि जब हम उसे पहले दिन मिले थे तो वो हमें करण के फैन की तरह ही मिला था और हम लोग हैरान हो गए थे कि वो करण की लाइफ के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। मैं करण के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं जानता, और अगर मैं नहीं जानता तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी नहीं जानते होंगे। पर मैंने कहा था ना, किस्मत कुछ तो है रब्ता तुमसे, 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 सबसे, 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 कुछ तो कनेक्शन है, कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन, किस्मत कनेक्शन, मेरी पास्ट लाइफ कनेक्शन, कनेक्शन, जो किस्मत हमें बार बार मिला रही है, और वो जल्द पता लग जाएगा। उसने एज अ फैन करण की लाइफ को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इसीलिए वो करण के बारे में जो बातें बाकी दुनिया को नहीं पता है वो जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि अर्जुन अर्जुन नहीं, करण है। पिता, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? राखी माँ, वो करण कैसे हो सकता है? अगर वो करण है तो हमें बता क्यों नहीं देता है, हमसे कहता क्यों नहीं है कि वो करण है? ऐसा नहीं हो सकता राखी माँ। प्रीता, मुझे खुद से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। क्या तू मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती है? तू ये पता लगा कि अर्जुन वाकई में अर्जुन सूर्यवंशी है या फिर करण है? करण है, इतना सा काम तो कर देगी ना मेरे लिए? हाँ राखी माँ, अगर आप इतने विश्वास से कह रही हैं कि वही करण है तो ये छोटे मोटे सबूत नहीं चलेंगे, हमें और सबूत जुटाने होंगे। एग्जैक्टली, मैं इसलिए तुझसे कह रही हूँ कि पता लगा, सबूत सबके सामने लाके दिखा दे ताकि पूरा परिवार को विश्वास हो जाए कि अर्जुन करण है। करण है, बस इतना सा काम मेरे लिए कर ले। राखी माँ दी, क्या मैं इस प्लान में शामिल हो सकती हूँ? देखो, मैं बहुत अच्छी जासूस हूँ और मैं काम भी आ सकती हूँ। मुझे भी इस नेक काम में आप लोगों का साथ देना है, प्लीज। थैंक यू सृष्टि, प्रीता का साथ देने के लिए और मेरा भी। राखी माँ प्लीज चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा और हमारे अच्छे के लिए ही होगा। मैं पता लगाऊंगी। Thank you.
हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसू में है बड़ा, दिल हंसते हंसते रो। चाहे तुम कितनी भी कॉपी कर लो, एक चीज तुम्हारी हमेशा अलग ही रहेगी और वो है तुम्हारा चेहरा। दोनों के चेहरे अलग अलग हैं, अलग हैं, बाकी सब सेम सेम हैं। करण और मैं, एक एक। क्या हुआ? प्रीता के बारे में सोच रहे हो? नहीं तो वो मुझे नींद आ रही है। तुम्हारे इस बदले के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया अर्जुन, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी मैंने। एंड में क्या हुआ? तुमने प्रीता का साथ दिया, तुम प्यार करने लगे प्रीता से और अब तुम उसे ये बात छिपा रहे हो। लेकिन अच्छी तरीके से जानती हूं मैं कि दिन रात ना तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारी जुबान पे ना होती है लेकिन मुझे हाँ सुनाई देता है, मुझसे सच छिपा रहे हो अर्जुन। मुझसे सच छिपाना मतलब झूठ बोलना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता ऐसे झूठ के जमीन पर आकर खड़ा हो जाएगा। जी सर, राखी मैम कह रही थी कि अर्जुन ही करण है। दाढ़ी तो तुम्हारी एकदम बकरे वाली है, तुम्हारा नाम होना चाहिए दाढ़ी वाला बकरा। रीता के कुंडली भाग्य का वो सचो 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 जो हमेशा रहेगा रहेगा रहेगा। कुंडली भाग्य का रिश्ता अब तक शक था, अब यकीन हो गया। तूने अंडरलाइन कर दिया कि यह प्यार का मामला है। सर वो आपने कहा था कि लूथर हाउस की कोई भी बड़ी खबर मैं आपको लाके दूंगा, तो हर खबर के 500 रुपए आप मुझे इनाम में दोगे। और नोट कमाने ऐसे तो आगे भी खबर देते रहना। वो दरवाजा है आउट। इस अर्जुन की वजह से तुम्हारा राम नाम सत्य होने वाला था। चुप रहो पृथ्वी। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ आंटी जी, मैं अर्जुन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। कमाल। क्या हुआ सर? अर्जुन बहुत शातिर निकला हो, मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज। क्या खेल खेला है उसने, लूथराज के इमोशन के साथ उसने खिलवाड़ किया, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया ताकि वो लूथराज को धोखा दे सके, लूथराज का सब कुछ अपने नाम कर सके। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरे यार पर मजा तो तब आता जब ये अर्जुन मेरी पार्टी में होता,
कमबख्त अकेला ही खेल रहा है। सर मैं हूं ना आपकी पार्टी में। शक्ल देखिए अपनी, कंगाल कहीं का। 500 रुपए दो। तू मेरी पार्टी में होगा तो मैं जिंदगी भर ये साइकिल चलाता रहूंगा। अरे मुझे साइकिल नहीं चलानी है, प्राइवेट जेट चाहिए, उड़ना है मुझे। और वो तब मुमकिन है जब मेरी पार्टी में मालदार लोग होंगे, अर्जुन की तरह। मुझे भी आपकी पार्टी में होना है। तुझे जितना बोला है उतना कर, टाइम टू टाइम खबर देते रहना। जी सर। ऐसा कह रहा हूँ, वैसा नहीं किया ना तो अखबार में तेरी श्रद्धांजलि की खबर छपवा दूंगा। समझ में आया? दुश्मनी का मजा तो तब आता है जब आपका दुश्मन आपके टक्कर का हो, आपके बराबरी का हो। मिल गया मुझे मेरी बराबरी वाला दुश्मन, टक्कर वाला दुश्मन, अर्जुन सूर्यवंशी। मानना पड़ेगा। सैमी, तुम्हें पता है मैं भी जिस किचन से आ रही हूँ, वहां पर राखी मॉम प्रीता दी से कह रही थी कि वो पता लगाए, सबूत इकट्ठा करे कि अर्जुन ही करण है। उन्हें ये जानना है कि अर्जुन करण है कि नहीं, और इस प्लांट में मैं भी शामिल हूँ। तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी बड़ी जासूस हूँ, मैं भी उनकी मदद करूंगी। हमने एक पैक्ट बनाया है कि हम सभी। तुम सुन रहे हो सामी? कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो यार? तुम सुना ना? क्या सुना? यही कि तुम मुझ पे जोर जोर से चिल्ला रही हो, मुझे हिला रही हो, और कुछ कुंभकर्ण शायद ऐसा कुछ बोला। सामी तुम एक काम करो, तुम है ना सो जाओ, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करने वाली। थैंक यू। कमाल है ये, मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। अरे अर्जुन का ये हस्बैंड है या बैंड है समझ में नहीं आ रहा। बैंड फिर भी बचते हैं, लेकिन ये सोने वाला बैंड है कि तू बचता ही नहीं, सिर्फ सोते ही रहता है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं सुनते। डिवोर्स दे रही हूँ मैं तुम्हें। कराटे ले रहा है डिवोर्स, सुनने के बाद भी इसको कोई असर नहीं हुआ। फाइन, सो। हे गणपति पापा, बहुत बड़ी उलझन है, प्लीज सुलझा दीजिए। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ, और सिचुएशन कुछ। वैसे तो लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन एक ही डोर है जो कुछ ज्यादा ही उलझी हुई है। क्या अर्जुन ही कारण है? नहीं, अगर वो कारण है तो उसने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं? अगर अर्जुन कारण निकला ना तो तुम्हें वो छोड़ूंगी मैं। दी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस सैमी को ना छोड़ दूंगी फॉर गुड। मैं अलग रहूंगी और ये अलग रहेगा। कैसी बातें कर रही है तू? क्यों क्यों? आपको याद है ना, अभी जस्ट कुछ देर पहले आपने, मैंने और राखी मॉम ने प्लान बनाया था। मैं इतनी एक्साइटेड होके सामी को वो प्लान बताने गई, लेकिन वो कुंभकर्ण जैसे सो रहा था। हाँ तो इसमें क्या बात हो गई? सोने का तो टाइम ही है ना, उसको पहले से बहुत नींद आ रही थी, तो कमरे में गया होगा तो नींद लग गई होगी, तो इसमें क्या बड़ी बात है? नींद लग गई होगी? गधे घोड़े चीटी हाथी सब बेच के सो रहा है वो। अच्छा
हाफ सो रहा था, हाफ उठा हुआ था, जगा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं उसको बोले जा रही हूँ और वो हम्म किए जा रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मेरी बातें सुन भी रहा है कि नहीं। सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कम से कम हम्म करके तुझे जवाब तो दे रहा है ना तेरा दिल रखने के लिए। इतना अच्छा है, तुझे नाराज भी नहीं करना चाहता, इतनी गहरी नींद में भी तेरी बातों पे हम्म कर रहा है। पता कोई कोई लोग वो भी नहीं करते है। अरे एक तो तेरी हर बात सुनता है, इतना अच्छा इंसान है, और तू हमेशा उसकी शिकायत करते रहती है। यार कितनी तारीफ कर रहे हो उसकी मेरे सामने, आपको पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी साइड मत लो, मेरे सामने दी, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा उसको छोड़ो यार, आपने कुछ सोचा है कि हम ये सब करेंगे कैसे, अर्जुन को करण साबित कैसे करेंगे? देख एक इंसान का असली नाम क्या है, उसकी असलियत क्या है, पहचान क्या है, उसका प्रूफ उसके पास कहीं ना कहीं तो होगा ना। इतना तो हमें पता है कि वो कहीं बाहर से आया है, आउट ऑफ इंडिया रहता था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, तो हम पता लगाएंगे। उसने हमें अपने पेरेंट्स का नाम कुछ बताया है, तो हम पता लगाएंगे कि वो ही उसके पेरेंट्स का नाम है या वो हमसे झूठ बोल रहा था। और अगर वाकई वो करण है तो मतलब अगर सच में वो करण है तो उसके पास कोई ना कोई करण की ऐसी चीज तो होगी ना जो सिर्फ करण के पास थी और किसी के पास नहीं।